थोड़े बहुत अपना बचपन की यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी कितना सुंदर। और जब हम यहाँ पर थे ना, जब ये वाला ब्रिज को चला रहे थे ना, तब ये पत्थर है ना पूरे मतलब भरा हुआ था, ऐसे काटा नहीं हुआ था। तो अभी इसे काट के भरा किया। कैसी लगी बचपन की यादें ताज़ा करके? तो बहुत अच्छे है। पानी देखो, पानी कितना अच्छा है ना, सुंदर है ना। नीचे देखो, उस तरफ में जाके देखो, जो पुराना वाला ब्रिज है ना वो पूरा खाली हो गया है, मतलब हड्डी बन के रह गया। लुक ओहो कैसी लगी, सुंदर है ना। यहाँ पानी इतना अच्छा है। तो अभी हम दोनों यहाँ से वहाँ पर जो 65 में एंड तो अभी हम दोनों है ना यहाँ से पासीघाट के लिए निकल जाएगा। एंड अभी 65 में हम दोनों स्कूटी का वो चेक करवाएगा, ब्रेक चेक करवाएगा, आवाज कर रहे हैं ना। तो चले एक दो फोटो खींचे। तो हमने ना यहाँ पर अपने साथ एक मुर्गी लेकर आए हैं, मतलब लेकर जा रहे हैं पासीघाट के लिए। तो ना क्या करें इसका, तो हाथ दुख रहा है मेरा इसको पकड़ते, क्या करें। ऐसे साइड में लगा देने से अच्छे रहते हैं ना, इस तरह से उधर में देखते हैं ना। क्योंकि थार हार है, हाँ लड़की है, लड़की। चले जो जानवर अभी हमने दिखाए रास्ते पे, ये जानवर जो है अरुणाचल में सबसे महंगे वाला जानवर है, जिसे हम लोग कैसे लुटूंगे ना, मैटून ना बोल अति लोका गोर भाई ऐसा ऐसा। हाँ हमारे भाषा में उसे ऐसो बोलते हैं एंड पूरे अरुणाचल में उसे मैटून बोलते हैं। एंड ये ना सबसे महंगा इसीलिए होते हैं क्योंकि जब भी जैसे लड़कियों की शादी होते हैं, जैसे कोई लड़का लड़की से शादी करने जा रहे हैं, तो शादियों में ना ये काट के या फिर ये गिफ्ट करते हैं, काट के गिफ्ट करेंगे या फिर जिंदा गिफ्ट करते हैं ससुर लड़की वाले को। तो एंड देन उसके बाद जो भी अगर कोई भी अगर फेस्टिवल होते हैं, लाइक हमारे सोलुम फेस्टिवल हो गया, न्योकुम हो गया, बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल होते हैं आदि गलोनी से, सब यही यूज़ करते हैं। एंड ये सबसे लोएस्ट प्राइस है ना इसका, जो है 50,000 से स्टार्ट होते हैं, उससे कम बिल्कुल नहीं होता है, उससे ही स्टार्ट होते हैं। तो इसीलिए ना ये हमारे अरुणाचल की सबसे महंगे वाले जानवर में से एक है। जानवर में से एक नहीं, यही सबसे महंगा है ना जानवर में से। तो ना अभी हम जैसे बोलिंग से निकल रहे थे, इन्होंने इन्होंने हम दोनों को पूरा गिरा दिया। ये देखो इन्होंने हम लोग मार रही, चाहे खुद गिरा के मुझे बोलता है। अरे मेरे पैर में भी लग गया, पता है स्कूटी का भी ऐसी की तैसी करती है स्कूटी की। अरे दुख रहा है, आइए तब्बल घूमते लिए ना, आइए तब्बल आ तू मैं तब्बल असरित ना नहीं लगता तब्बल ते मैं नहीं दुख का पसंद ना जब यहाँ दुख लगे ही तू दुख रहा अभी हम लोग है ना पंगन पहुंचने से पहले यहाँ पर एक ब्रिज है, आप देख सकते हो वहाँ पर। ये छोटा सा है पर वो मैं नज़दीक जाकर दिखाऊंगी। ये जो हैंगिंग ब्रिज है बेम्बू से बना हुआ,
तो अभी हम ना वहाँ पर जाके देखेंगे। वैसे तो मैंने कभी गई नहीं हूँ, क्योंकि हमारे घर में मतलब हमारे गांव में ना ऐसा वाला ब्रिज नहीं होते हैं। तो हम ना वहाँ पर जाके देखेंगे। एज यू कैन सी द ब्रिज इज देयर। चले आएगा तो उसमें कपड़े चेंज कर रही है, जब देखा तब कुछ ना कुछ करते रहते। तो अभी हम लोग है ना यहाँ पर एक जगह पर आके रुके हुए हैं, एंड उसके अच्छे से हमने मज़े ले ली पहले बात तो, एंड फिर लास्ट में जाके मैं वीडियो बना रही हूँ। ये देख सकते हो, ये हैंगिंग ब्रिज है ना, हमारे बोलेंग साइड से आने से पांगन पहुँचने से लेफ्ट साइड में है। पता नहीं कौन सा ब्रिज का नाम मुझे नहीं पता, इनको ब्रिज है ये हाँ कोमसिंग ब्रिज है। तो ये जो है ना बैम्बू से बना हुआ है, एज यू कैन सी पूरे बैम्बू से बना हुआ है, एंड यहाँ पर कुछ वो जो आयरन से बांध के रखा हुआ है। तो हमने ना कभी ज़िंदगी में इसे ना नज़दीक से मैंने नहीं देखा है। जब भी मैं ऐसे गांव से आना जाना करती थी ना, तो मैं इसे देखा करती थी, बार बार देखा करती थी, मन भी करती थी जाकर एक बार नज़दीक से देखूँगी, पर कभी गई नहीं। बस बट आज फाइनली हम यहाँ पर आकर ब्रिज, वो हवा की वजह से ना ये ब्रिज ऐसे ऐसे झूल रहे हैं और मुझे इतना भयानक डर लग रही है। देखो बहन को कैसे जा रही है वो, बैठ कर चली जाओ, ऐसे धीरे धीरे करके बैठ कर आगे निकल जाओ, बैठ कर निकल जाओ, तुम गिर जाओगी। ऐसे नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, नीचे मत देखो, वो पानी की तरफ मत देखो, सीधा सीधा जाओ। मैं तो नहीं जा रही भाई अंदर, मुझे सच्ची में डर लग रही है, ऐसे ऐसे झूल रहा है ब्रिज जो है। आइए भाई सब दीदी जरमा, ऐसे ऐसे करके साइड साइड से होकर आ जाओ। मैं लंदा को कैसे मत धोरो ना यहाँ पर, मत भागो यार, वैसे ही ब्रिज जो झूल रहे हैं, मैं अंदर नीचे गिर गया तो। तो जब तक ना यहाँ के लोग वो वाले ब्रिज नहीं बने थे, तब तक यही यूज़ करते आए हैं, पहले से यूज़ करते आए हैं, एंड पता नहीं अभी यूज़ करते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत पुराना भी हो गया है। एंड अभी शायद वो नए RCC ब्रिज बन गए, तो शायद वो वाले यूज़ के। मत हिलाओ ना यार, मैं गिर जाऊँगी, मत हिलाओ यार मत हिलाओ, मत हिलाओ, गिर जाएगा, झूल रहा है वो यहाँ पर ना। ये जो नदी है ना सियांग रिवर, ये जिसे बर्मा पूछ रहे हैं ना, तो उसकी वजह से ना यहाँ पर। कैसी लगी, एंजॉय किया? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तुमने? बहुत ज़्यादा एंजॉय किया मैंने, एंजॉय किया। तू आ मोबाइल लम गले बे खोल लग दखा तो लग आ। तो मैं ना अभी यहाँ से थोड़े थोड़े करके आगे निकल जाऊँगी, क्योंकि हमें देर हो रही है, हमें यहाँ से पासीघाट जाना है। तो मतलब पासीघाट यहाँ से बहुत दूर है और अभी भी हमें बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए हम अभी यहाँ से निकल जाएंगे। चले, स्कूटी में मुर्गी रखा है भाई, उठा के ले जाएगा कोई, आजा। हाँ तो अभी हमने ना यहाँ पर ब्रिज तो देख ली, एंड अभी हम यहाँ से पासीघाट जाएंगे सीधे सीधे। एंड और एक चीज़ बचा हुआ है जिसे हमारे बहुत मन कर रहे हैं हम सब की, कि हम वो चीज़ देखें। तो यहाँ से सीधा सीधा चलने से ना पासीघाट रोड में राइट साइड में एक टनल है, तो उसको भी अभी हम विजिट करेंगे। अरे यार मैंने तमुल खा ली, एंड ये देख सकते हो आप, इन्होंने ना अभी क्या किया पता है, बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, इधर देखो इधर देखो, कपड़ा दिखा दो। तो इन्होंने क्या किया, बीचों बीच रोड में हमें घिरा दिया, और ऐसे घिरा दिया कि मेरे ना पैर की जो चमड़े होते हैं ना वो निकल गए हैं, और मेरे पैर देख सकते हो पूरा लगा हुआ है, इसने मेरे पैर की पूरे चमड़े निकाल दिए इसने। क्या बताओ, इतने दर्द हो रहे हैं कि थप्पड़ मारो या क्या करो। चलो कैसी लगी नहीं गिरा कर
तुम्हें लगा तो नहीं? नहीं नहीं लगा ना कि शक्ल ऐसे की तो अभी हम लोग है ना टनल के पास पहुंच गए हैं एंड दिस इज द टनल एंड देन दिस इज द लोकेशन। कहाँ जाए मैम ओए कितने जा रहे हो पूरे अंदर मत जाओ यहाँ से राइट की ओर जाते हैं ना उस तरफ राइट साइड में ना यहाँ पर लाइट लगाया है पर जल नहीं रहे। अच्छा इसमें लेफ्ट राइट बना हुआ है ना इस तरफ से भी है हाँ ना देखो उस तरफ में भी है और इस तरफ में भी है देखो पूरे अंदर तक है ना उस तरफ भी है एंड देन उस तरफ भी है तो अभी हम ना यहाँ पर सियांग नदी के पास जा रहे हैं क्योंकि नज़दीक से थोड़ा दिखाऊंगी आप सबको एंड हमें यहाँ पर रुकना नहीं था सीधे सीधे जाने थे पर रोड है ना ब्लॉक है बोला है तो उसे अभी खोल रहे हैं जैसे भी तो उसकी वजह से बोले कि 4 बजे तक रोड जो है खुल जाएगा तो उससे पहले रोड खुलेंगे नहीं तो फिर वहाँ पर रुक के कोई फ़ायदा नहीं था तो इसलिए हम यहाँ पर रुके हैं एंड एज यू कैन सी वहाँ पर है सियांग नदी क्या है ये इसको से निकल के कहते हैं कैसे अच्छा ये ना अच्छी है सरप्राइज सियांग नदी एंड मैं उसके बिल्कुल पास में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे पानी से ना बहुत डर लगती है क्योंकि मुझे तैरना नहीं आती है एंड वैसे तो गिरने वाला है नहीं बट फिर भी मुझे अंदर से ना डर लगती है क्योंकि मैं पानी से बचपन से डरती आई हूँ ना तो मैं अभी भी डरती हूँ तो मैं पानी के नज़दीक कभी नहीं जाऊँगी बाकी मैं जितना हो सकेगा उतना मैं पासीघाट से दिखा दूँगी पर पासीघाट में पानी क्या होता है वहाँ पर ना लोग ऊपर से बहुत सारे चीज़ें कचरा फेंक देते हैं तो इसलिए ना पासीघाट साइड में मतलब पासीघाट के अंदर तो ठीक है लेकिन पासीघाट से जब थोड़े आगे बढ़ोगे ना तो पानी भी ऐसे ब्लू नहीं होते वहाँ पर पानी भी पूरा मिट्टी जैसा हो जाता है एकदम ब्राउन ब्राउन टाइप की हो जाते हैं मतलब बहुत गंदे हो जाते हैं। आई एम सुपर टायर्ड
तो यहाँ पर ना पूरे पत्थर है, उस कारण ना चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। बाकी श्याम बिल्कुल नज़दीक है एंड यहाँ पर देख सकते हो पानी। और अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर जो हमारे ट्रेडिशनल रोटी होते ना वो खा रहे हैं विथ चटनी। हाय, हेलो, इट्स कॉल्ड एक्टिंग। इट्स गुड। और मेरे पीछे देख सकते हो पानी, बहुत फ्रेश फ्रेश पानी है, वहाँ से आती है। तो मैं आगे जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम वापस जा रहे हैं एंड वहाँ पर ब्लॉक पॉइंट पर जाकर वेट करेगी थोड़ी देर, उसमें 10 से 20 मिनट रुकने में क्या ही जाएगा। तो मेरा ना बहुत दिल कर रहा है ऐसा कि मेरे घर है ना उस पार में हो और ये नदी ऐसे जाए और उस तरफ में एक छोटा सा कॉटेज बना के वहाँ से मच्छी पका रहे ऊपर में बैठ के, बहुत दिल कर रहा है। बट क्या करे, पर नेचर ने ना इतने सुंदर बनाए हैं अरुणाचल को कि हम लफ्जों से बयां नहीं कर सकते, इतनी खूबसूरत बनाए हैं ना कि सच्ची में हमारे लिए ये हेवन ही है। देखो 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 देखो, तो सनसेट इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। लुक कितना प्यारा है। हाय रे, मोबाइल दम बम हाथ, इतना प्यारा है सनसेट, इतना प्यारा है लुक। तो अभी यहाँ पर है ना, अरे यार मेरे बाल, तो अभी यहाँ पर है ना 4 बज रहे हैं एंड सनसेट देख लो, इतने प्यारे है लुक, इतना प्यारा है। ए मेरा मोबाइल लेकर आओ ना, मैं फोटो खींच रहा हूँ। खींचो लुक एट द सनसेट। तो अभी है ना यहाँ पर शाम के 4 बज रहे हैं एंड लुक एट द सनसेट, कितना प्यारा है सनसेट। वंस अगेन, तो जो अरुणाचल से नहीं है मैं उसको बताऊँ, यहाँ पर शाम के 4 बजे है ना यूएस प्यार सब इतना क्यूट वाला सनसेट निकल आते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। सनसेट देख लिया ना, है ना? कैसी लगी? बहुत ही सुंदर। देखो धूप रहा है, अभी नीचे धूप रहा है, चले। दूगा ना यूंगा। हमने ना यहाँ पर बहुत मस्ती किया है एंड हमारे टाइम यहीं पर ख़त्म हो रहे हैं एंड शायद हमें ना पासीघाट पहुँचते पहुँचते तो बहुत देर हो जाएगा, तो शायद अभी मैं वीडियो यही खत्म करूंगी। तो कल की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बने रहना।